हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी स्कॉलर चैनल। और आज हम प्यूरिटन एज के माइनर राइटर्स जितने भी हुए हैं, प्रोज राइटर प्यूरिटन एज के, उनको देख लेते हैं। सो, ये जितने भी राइटर हैं ये प्यूरिटन पीरियड के हैं और ये माइनर प्रोज राइटर हैं, तो ये कभी कभी इनसे हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ दे, तो इसलिए मैंने इनको यहाँ इंक्लूड किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रॉबर्ट बर्टन, ये 1557 में इनका बर्थ हुआ और 1640 में इनकी डेथ हो गई। इनका जो इम्पॉर्टेंट वर्क था एटॉनमी ऑफ मेलंकली, इनका एक इम्पॉर्टेंट वर्क है जो 1621 में आया, और ये जो है मेडिकल ट्रीटीज़ के ऊपर बेस्ड है। फिर दूसरे जो इम्पॉर्टेंट प्रोज राइटर माइनर में है प्यूरिटन पीरियड के, वो है सर थॉमस ब्राउने, और 1605 में इनका बर्थ हुआ, 1682 में इनकी डेथ हो गई। इनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क है वो है रिलीजियो मेडिसी, जिसका मतलब होता है रिलीजन ऑफ फिजिशियन, और ये 1642 में आई। इनके दो और वर्क हैं जिसमें से वल्गर एरर्स 1646 में, अर्न बरियल, ये इनके दो इम्पॉर्टेंट रेस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क हैं। फिर थर्ड जो माइनर राइटर हैं वो है थॉमस फुलर, जो कि 1608 में जिनका बर्थ हुआ और 1661 में इनकी डेथ हो गई। इनके जो बेस्ट नोन वर्क हैं वो हैं द होली वॉर, द होली स्टेट एंड द प्रोफेन स्टेट, चर्च ऑफ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, हिस्ट्री ऑफ वर्दीनेस ऑफ इंग्लैंड। द होली एंड द प्रोफेन स्टेट जो है इनका एक बायोग्राफिकल रिकॉर्ड है। फोर्थ इम्पॉर्टेंट राइटर की अगर हम बात करें तो जर्मी टेलर करके उनका नाम है, जिनका बर्थ हुआ 1613 में और डेथ हो गई 1667 में। इनको द शेक्सपियर ऑफ डिवाइंस भी कहा जाता है और अ काइंड ऑफ स्पेंसर इन अ कैसॉक भी कहते हैं। तो ये हो सकता है कि पूछ दे द शेक्सपियर ऑफ डिवाइंस किसको कहा जाता है, तो जर्मी टेलर को कहा जाता है। इनका अगर वर्क देखें तो लिबर्टी ऑफ प्रोफेसिंग 1646 में आई, द रूल एंड एक्सरसाइजेस ऑफ होली लिविंग, फिर द होली लिविंग एंड डाइंग। फिर फिफ्थ अगर माइनर राइटर की बात करें प्यूरिटन पीरियड के, तो वो है रिचर्ड बैक्स्टर। 1615 में इनका बर्थ हुआ, 1691 में डेथ हो गई। इनको बिजीएस्ट मैन ऑफ हिज एज कहा जाता है। उनके टू इम्पॉर्टेंट अगर वर्क की बात करें, द सेंट्स एवरलास्टिंग रेस्ट, दूसरा जो है अ कॉल टू द अनकन्वर्टेड। सिक्स्थ अगर इम्पॉर्टेंट राइटर की बात करें माइनर प्रोज राइटिंग में, तो वो है इज़ैक वॉल्टन, और इनका बर्थ हुआ 1593 में और डेथ हो गई 1683 में। इनके जो दो इम्पॉर्टेंट वर्क हैं जिसमें से एक है लाइव्स और दूसरा है कंप्लीट एंग्लर। अब अगर कुछ इम्पॉर्टेंट क्रोनोलॉजी देख लें इस पीरियड की प्यूरिटन एज की, तो वो है बर्टन्स एटॉनमी ऑफ मेलंकली 1621, विदर्स हाइम बुक 1623, मिल्टन्स ओड टू नेटिविटी 1629, हार्बर्ट्स पोएम 1630 से 1633, ब्राउने रिलीजियो मेडिसिन 1642, मिल्टन्स एरोपेगेटिशिया 1644, हॉब्स लेवियाथन 1651, वॉल्टन्स कंप्लीट एंग्लर 1653, रेस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स सेकेंड 1660, बैनियंस ग्रेस एबंडनिंग 1666, पैराडाइज लॉस्ट 1667, डेथ ऑफ मिल्टन 1674, पिलग्रिम प्रोग्रेस पब्लिश्ड 1678। लिखा इसको पहले गया था, पब्लिश्ड हुई है 1678 में। इसी के साथ प्यूरिटन पीरियड जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो वीडियो करेंगे हम, वो रेस्टोरेशन एज को शुरू करेंगे। रेस्टोरेशन एज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्यों इसको रेस्टोरेशन एज कहा जाता है, उसके लिटरेचर में क्या क्वालिटीज़ हैं, पर्टिकुलर उस एज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट राइटर हैं, उनको हम देखेंगे। और एक रिक्वेस्ट आई थी टू हिज क्वाई मिस्ट्रेस की समरी के लिए, मैं कोशिश करूँगी कि आपको जल्दी से जल्दी उसकी डिटेल्ड समरी आप तक पहुँचा सकूँ। तो इसी नोट के साथ वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का, और स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।